नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का मैच नंबर 12 आज खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो यहां पर रनों की बारिश होती है, यानी कि एक बार फिर हमें मैदान पर चौके छक्के उड़ते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 के आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतर रही है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज के इस मुकाबले में पिच किस तरह की रहने वाली है, और साथ ही टॉस जीतकर कौन सी टीम कौन सा फैसला लेने वाली है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे हेड टू हेड मुकाबलों में कौन सी टीम का पलड़ा पारी है और ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने जा रही है, यानी कि तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखते रहे वीडियो को पूरा आखिर तक, और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ आप भी इन दोनों टीमों के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, फिलहाल दोनों टीमों का परफॉर्मेंस आईपीएल 2021 में अच्छा ही रहा है, क्योंकि दो मुकाबले दोनों टीमों ने खेले जिसमें से एक मुकाबले में दोनों टीमों को जीत मिली जबकि एक एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा, क्योंकि एक तरफ संजू सैमसन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे तो दूसरी तरफ होंगे महेंद्र सिंह धोनी। अब तक संजू सैमसन ने दो मुकाबलों में कप्तानी की है जिसमें से उन्हें एक मुकाबले में जीत मिली है। वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को भी अब तक दो मुकाबलों में एक ही जीत मिली है। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तो कई शानदार खिलाड़ी दोनों टीमों के पास मौजूद है जो यहां पर कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं आज के इस मुकाबले में भी। तो चले दोस्तों, हम जानते हैं दोनों टीमों के बीच सबसे पहले हेड टू हेड मुकाबलों में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का जीत का सक्सेस रेट 60.87% है। वहीं पर हम दोस्तों बात करें दोनों टीमों के बीच अब तक टोटल हुए मुकाबलों की तो दोनों टीमों के बीच 23 मुकाबले हुए हैं जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 मुकाबले जीते हैं जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। लेकिन फिलहाल आईपीएल 2021 में दोनों टीमों के पास कई ऐसे शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यहां पर किसी भी टीम का पलड़ा भारी बताना यहां पर आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास दमदार खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो पिच की बात करें तो यहां पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वैसे तो रनों की बारिश होती है, लेकिन यहां पर इस पिच के ऊपर शुरुआती कुछ ओवरों तक यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद जरूर मिलती है, यानी कि स्विंग होने का एक बार फिर आसार है इस पिच के ऊपर। यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग करना बाद में काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैदान पर ओस आ जाती है। वहीं पर इस सीजन में अब तक पहले चार मुकाबलों में से तीन में बाद में बैटिंग करने वाली टीम को ही जीत मिली है, तो यानी कि साफ तौर पर कोई भी टीम अगर आज के मुकाबले में टॉस जीतेगी तो वह पहले गेंदबाजी का फैसला लेगी। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम 200 से ज़्यादा का स्कोर बनाना होगा, तभी इस मुकाबले में वो फाइट में रह सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों टीमों की इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास वैसे तो कई बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन आज के इस मुकाबले में इस टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मनन ओरा और उनके साथ होंगे आक्रामक बल्लेबाज जोस बटलर। तो वहीं पर नंबर 3 पर टीम की तरफ से संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे जो कि एक कप्तान के तौर पर इस आईपीएल में एक शतक जमा चुके हैं और एकमात्र शतक लगाने वाले वही खिलाड़ी हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीद होगी। तो वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे शिवम दुबे, एक बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज है शिवम दुबे। तो वहीं पर नंबर 5 पर डेविड मिलर उतरने वाले हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। तो इसके बाद नंबर 6 पर उतरने वाले हैं रियान पराग। तो वहीं पर नंबर 7 पर उतरेंगे राहुल तेवटिया। इसके बाद नंबर 8 पर क्रिस मॉरिस उतरने वाले हैं, यानी कि टीम के पास लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद रहेगी जिसमें नंबर 8 तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्लेबाज। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 9 पर जयदेव उनादकट उतरेंगे, तो नंबर 10 पर चेतन सकारिया उतरने वाले हैं। वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 11 पर मुस्ताफिजुर रहमान उतरेंगे, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप मौजूद है, तो साथ ही साथ गेंदबाजी में भी यहाँ पर दमखम दिख रहा है इस टीम के पास। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आज ओपनिंग जोड़ी में बदलाव होने वाला है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर हम दिग्गज बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को खेलते हुए देखेंगे। तो वहीं पर इनके साथ होंगे फेफ डू प्लेसिस, यानी कि रॉबिन उथप्पा और फेफ डू प्लेसिस आज ओपनिंग करने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर मोहिन अली उतरेंगे। इसके बाद नंबर 4 पर उतरने वाले हैं चिनाथला सुरेश रैना। रैना का परफॉर्मेंस इस आईपीएल में बेहतर रहा है और आगे उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर नंबर 5 पर टीम की तरफ से मिडिल ऑर्डर में अंबाती रायडू उतरेंगे। तो नंबर 6 पर आज के इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी उतरने वाले हैं। नंबर 7 पर उतरेंगे रविंद्र जडेजा। तो नंबर 8 पर उतरने वाले हैं सैम करन।
नंबर 9 पर उतरेंगे टीम की तरफ से डीजे ब्रावो, तो नंबर 10 पर सरदोल ठाकुर उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर दीपक चहर उतरेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया था और एक बार फिर उसी प्रकार का परफॉर्मेंस ये करते हुए दिखेंगे। यानी कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है और दोनों टीमों के लिए यहां पर बेहतरीन बल्लेबाज व ऑलराउंडर मौजूद है जो शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें मैच प्रेडिक्शन की, तो अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की टीम थोड़ी मजबूत लग रही है राजस्थान रॉयल्स से। आपका क्या है प्रेडिक्शन, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।